चलिए अब शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। जयपुर शहर के बाजार रहे बंद, बड़ी चौपड़ पर सर समाज ने दिया धरना। सुरक्षा को लेकर पुलिस का भारी जब्ता रहा तैनात, ड्रोन के जरिए चप्पे चप्पे पर रखी नजर। शाहपुरा में क्रांतिकारी बालट बंधुओं के पैनोरमा निर्माण के प्रशासनिक भवन का भूमि पूजन किया गया। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के मुख्य आतिथ्य में कलेक्टर टीकम चंद बोरा भूमि पूजन में शामिल हुए। राजस्व मंत्री रामलाल जाट और कलेक्टर बोरा के सानिध्य में भूमि पूजन की रस्म अदा की गई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट दो दिवसीय दौरे पर टोंक, उनका जयपुर कोटा हाईवे स्थित चौरसिया पेट्रोल पंप पर भव्य स्वागत हुआ। सचिन पायलट ने ट्रैक्टर पर सवारी की, जेसीबी पर से लोगों ने सचिन पायलट का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। डूंगरपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, आसपुर के बोड़ी गांव में बड़ा सरपंच रमन मीना ट्रैप, 20,000 की रिश्वत लेते किया गया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ के पीपलखूंट में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने 2000 करोड़ की लागत से बनने वाली अपर हाई लेवल कैनाल का शिलान्यास किया। समारोह के दौरान मालविया ने कहा कि कैनाल के माध्यम से पीपलखूंट और धरियावाद विधानसभा क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में काफी परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री गहलोत का फैसला, राजस्थान राज्य अग्रसर कल्याण बोर्ड का गठन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 5 होंगे सदस्य। कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री का जयपुर दौरा, कहा अब तक जो फीडबैक मिला उससे हम जीत रहे हैं, राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जयपुर के सांभर में पुलिस ने लूट और बाइक चोरी के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया। लूट के मामले में सांभर निवासी सुशील कुमार और मोटरसाइकिल चोरी के मामले में विंध्या निवासी अर्जुन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस चोरों से अब पूछताछ कर रही है। जयपुर के सांभर में पत्रकार संघ की ओर से 8 अक्टूबर को आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर की पोस्टर का विमोचन किया गया। विमोचन गोवर्धन नाथ मंदिर के संत मनमोहन दास महाराज और दादू द्वारा के महंत अर्जुन दास महाराज और फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने किया और इसी दौरान पत्रकार संघ के सदस्यगण भी मौजूद रहे। अलवर में 6 और 7 अक्टूबर को बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन और दिव्य दरबार लगाएंगे। 50 बीघा में खाने की व्यवस्था की गई। 5 अक्टूबर को कलश यात्रा निकाली जाएगी। 6 अक्टूबर को अभिनंदन यात्रा के बाद धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन करेंगे और 7 अक्टूबर को सुबह दिव्य दरबार लगेगा। कश्मीरी घाटी के बच्चों ने देखा संविधान उद्यान, राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया विद्यार्थियों से संवाद। भारत दर्शन यात्रा के तहत राजभवन का किया गया भ्रमण। जयपुर पीसीसी कार्यालय में बैठक, शशिकांत सेंथिल ने बैठक ली। पीसीसी सचिवों की बैठक हुई, करीब 100 सचिव बैठक में शामिल रहे। ललित तुनवाल, जसवंत गुर्जर भी मौजूद रहे। कांग्रेस वॉर रूम के इंचार्ज है सेंथिल। सीकर के रामगढ़ गांव में नाबालिग से दुष्कर्म कर शव कुएं में डालने के मामले में परिजन और सर समाज के लोग धरने पर बैठे। मृतका के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और 50 लाख रुपए की मुआवजे की मांग की। धरना स्थल पर सीएसए निदेशक शमन चौधरी ने पीड़िता को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। जयपुर के रामगंज में युवक की मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर झुंझुनू में आम आदमी पार्टी के माइनॉरिटी प्रदेश कोष अध्यक्ष आजम अली राठौर के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राठौर ने कहा कि सांप्रदायिक शक्तियां राज्य में अमन चैन बिगाड़ना चाहती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पीड़ित परिवार को तुरंत न्याय मिले। झुंझुनू के उदयपुरवाटी में ट्रक ने पीछे से बस को टक्कर मारी, हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। उदयपुरवाटी पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया। झुंझुनू में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के नाम पर सहकारी बैंक से उठाया लोन, किश्तें जमा न होने पर बैंक के शाखा प्रबंधक ने लोन रिकवरी के नोटिस जारी किए। 3-3 लाख रुपए की रिकवरी के बैंक के नोटिस देखे तो सभी सदस्यों के होश उड़ गए। नोटिस मिलने के बाद से व्यवस्थापक भूमिगत ग्राम सहकारी समिति के व्यवस्थापक संदीप कुमार पुत्र बालचंद चांदीवाल पर गबन का आरोप है। झुंझुनू के नए एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई ने किया पदभार ग्रहण। झुंझुनू पहुंचे पर पुलिस के आला अधिकारियों ने किया स्वागत। एसपी देवेंद्र कुमार ने कहा हर समय आमजन के लिए उपलब्ध हूं, परिवादों का थाना स्तर पर ही निस्तारण को देंगे प्राथमिकता। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के राजकीय महाविद्यालय में विभिन्न संकाय चालू करने की मांग को लेकर सर समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ और राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के संयुक्त आह्वान पर डाककर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। डाककर्मियों ने कहा कि अगर समय रहते मांग पूरी नहीं की गई तो 5 दिसंबर से ग्रामीण डाककर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए चले जाएंगे। सीकर में मेजर दलपत सिंह के नाम से सर्किल बनाकर प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर रावणा राजपूत समाज के सैकड़ों युवाओं ने शहर में रैली निकालकर नगर परिषद आयुक्त और सभापति के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान समाज के लोगों ने हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में नाबालिग से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में परिजन और ग्रामीणों ने कोतवाली थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। जैसलमेर के भणियाना में नरसिंहपुरा विद्यालय में ग्रामीण और स्कूली छात्रों ने तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन किया। बाधित शिक्षिका का टापटेशन निरस्त करने और रिक्त पद भरने की मांग की।
जैसलमेर के मोहनगढ़ में युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। युवक की तबियत बिगड़ने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। युवक का प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर उसे रेफर करना पड़ा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में नामांतरण हुई जमीन को खारिज कर भूमाफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर किसान 72 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों ने उपायुक्त रामस्वरूप चौहान को ज्ञापन सौंपकर आत्मदाह करने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को जोधपुर प्रवास पर रहेंगे, यानी कि आज। ऐसे में पीएम के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जनसभा स्थल पर पहुंचकर महापौर वनिता सेठ और भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा सहित कई नेताओं ने जायजा भी लिया। जोधपुर के देशों में पानी और अन्य जनसमस्याओं को लेकर उपखंड मुख्यालय का घेराव कर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान लोगों ने ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई करने की मांग की। जोधपुर में शराब की दुकान में चोरी हुई, लूनी पंचायत समिति के पास की घटना सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना, जांच जारी। जैसलमेर के लाठी में भोजका खजूर बाग में अचानक आग लग गई। बाग के ऊपर से गुजर रही अटेंशन लाइन से चिंगारी से ये आग लगी। आग लगने से खजूर के पौधे जल गए। अचानक आग से किसानों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। श्रीगंगानगर में संभावित भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ श्रीगंगानगर से पहुंचे लोग। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संभाग प्रभारी सीआर चौधरी से मिलकर विरोध जाहिर किया। ओबीसी समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में पहुंचे और ओबीसी समाज के लिए टिकट की मांग की जा रही है। बीकानेर में भाजपा नेता वेद व्यास के होर्डिंग जलाए गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष वेद व्यास के होर्डिंग्स में आग लगाने की घटना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे में अब बीकानेर शहर में भाजपा और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ रही है। हनुमानगढ़ में भाजपा टिकट दावेदार के आयोजित नुक्कड़ सभा में कुछ लोगों ने हमला कर दिया। 3 भाजपा कार्यकर्ताओं को मामूली चोटें आई। 3 गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी है। नागौर के जाल व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में ईओ को ज्ञापन सौंपकर सदर बाजार से पानी की टंकी तक सीसी रोड बनाने की मांग की गई। व्यापार मंडल सदस्यों ने बताया कि पानी भराव के चलते डामर सड़क कुछ दिनों में ही टूट जाती है। एसडीएम को फिलहाल ज्ञापन सौंपा गया है। डीडवाना में पानी की टंकी बनाने को लेकर भूमिदान करवाने के लिए न्यायालय की ओर से जारी आदेशों पर भूमि का डीमार्केशन करवाने की मांग जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता से की गई। नैनीय सरपंच अजीत सिंह राठौर ने इस दौरान मकराना पहुंचकर अधिकारियों से भेंट की, मामले से अवगत कराया। डीडवाना में विद्युत निगम के स्ट्रीट लाइटों के कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। विद्युत निगम का 5,18,00,000 रुपया नगर परिषद पर बकाया है। कई बार नोटिस दिया गया लेकिन नगर परिषद ने बकाया राशि जमा नहीं करवाई। परिषद ने कहा कि राज्य सरकार करती है बकाया राशि का समायोजन। डीडवाना में कुचामन सिटी की सामाजिक संस्था मदरसा इस्लामी सोसायटी की ओर से जिला कलेक्टर सीताराम जाट का अभिनंदन किया गया। नाम सृजित जिले की व्यवसाय सुचारू करने के लिए जिला कलेक्टर सीताराम जाट और एडीएम शिवराम वर्मा का सोसायटी ने आभार जताया। सोसायटी के कई लोग इस दौरान मौजूद रहे। ब्यावर में बैरवा बस्ती नवीन कुमार के 3 साल से घर ना लौटने पर नवीन की बेवा मां सरोज देवी ने पुलिस के समक्ष गुहार लगाई। हालांकि पीड़िता की गुहार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। साथ ही नवीन की मां सरोज देवी ने लक्ष्मी सांसी और महेंद्र पर उसके पुत्र के साथ कोई अनहोनी करने का आरोप लगाया। डीडवाना के आंचल नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान महिला की तबियत बिगड़ने से मौत हो गई। कुछ देर में नजात ने भी दम तोड़ दिया। मृतका के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम की मांग की गई है। अजमेर के रूपनगढ़ में खो खो संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा ने नवनिर्मित लोक देवता वीर तेजाजी द्वारा और पनेर में प्राचीन सती माता मंदिर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। पलाड़ा व जिला परिषद सदस्य गोरा देवी ने नवनिर्मित प्रवेश द्वार का फीता काटकर लोकार्पण किया। साल दर साल सिमट रहा डीडवाना का पशु मेला। नागौरी बैलों के लिए मशहूर पशु मेले पर संकट के बाद छोटे बछड़ों के परिवहन पर रोक बनी है बाधक। गोरक्षकों की हिंसा से भी मवेशियों की बिक्री में भारी गिरावट। पहले मेले में आते थे 70,000 मवेशी, अब बचे केवल 3,500। किसानों के लिए मवेशियों को रखना पड़ रहा है भारी। राजसमंद के आमेट में ग्रामीणों के हत्थे चढ़े चोरों की धुनाई कर दी गई। चोर स्कूल में लगे पानी की ट्यूबवेल की मोटर चोरी कर रहे थे। ग्रामीणों की सूचना पर गोमती पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीड़ की भागल गांव के ग्रामीणों ने क्षेत्रीय वन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जंगल सफारी की जिप्सियों की आबादी क्षेत्र में स्पीड कम करवाने की मांग की। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जिप्सी की रफ्तार कम नहीं की गई तो अपने स्तर पर आगामी कार्रवाई करेंगे। उदयपुर के गोगुंदा में पिंडवाड़ा हाईवे पर झामेश्वर महादेव मंदिर के पास ही कार पलट गई। हादसे में कार सवार एक मासूम से 4 लोग गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद सभी घायलों को कार से बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर पुलिस हाईवे टीम 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। राजसमंद आमेट में 11,000 विद्युत लाइन के टूटे तार। विद्युत तार की चपेट में आने से 2 भैंस की मौत हो गई। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से मुआवजे की मांग की। विद्युत विभाग व पुलिस की समझाइश से माने ग्रामीण।
राजसमंद में विभिन्न तहसीलों के सैकड़ों माली समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सोनियाना गांव के शमपुरा मोहल्ले में माली समाज के मंदिर और सराय की जमीन समाज के नाम करवाने की मांग की गई। प्रतापगढ़ में पुलिस के नशे के अड्डे पर छापा मारकर ₹30 लाख की 60 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की। एक दंपति और तीन ग्राहकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ग्राहकों के कब्जे से ₹34,060 भी बरामद किए हैं। प्रतापगढ़ में 67वीं राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता में 50 जिलों के 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के निरीक्षण के लिए पर्यवेक्षक के रूप में शिक्षा निदेशालय के अधिकारी हिम्मत सिंह चारण प्रतापगढ़ पहुंचे। व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। धौलपुर में 2 साल का मासूम खेलते खेलते गर्म पशु आहार के भगोने में गिर गया। हादसे में मासूम गंभीर रूप से जल गया, जिससे परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। बच्चे का इलाज जारी है। भरतपुर में रफ्तार का कैश स्लीपर कोच और ट्रेलर में टक्कर। हादसे में 3 की मौत हो गई, करीब 2 दर्जन यात्री घायल हुए। सवाईमाधोपुर के बौली में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार एक्शन में। सीओ मीना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। नाबालिग किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप करने के प्रकरण में अंतिम आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर के तामड़ी गांव में महिला का शव मिलने से सनसनी। महिला पिछले 9 दिन से लापता थी। ससुराल से 13 किलोमीटर दूर उसका शव उसके पीहर के पास एक कुएं में मिला। पीहर पक्ष ने मृतक के पति पर हत्या का अंदेशा जताया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।